जय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में विजन पॉइंट पे, जहाँ पे 10th क्लास का सीरीज चल रहा है साइंस और मैथ का, जिसमें हम मैथ के चैप्टर नंबर 2 को आज कवर करने वाले हैं। मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आंसर पूरे करा दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के, जिसमें से 1.1 और 1.4 आपका क्या है डिलीटेड हो चुका है सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी हौसला मिलता है इससे कि हमें भी पढ़ाना है बच्चों को और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए। तो बात करते हैं पॉलीनोमियल से, इसी बात करते हैं चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पॉलीनोमियल्स होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलीनोमियल्स। तो फर्स्ट जो आपका पॉली मतलब होता है आपका मैनी, क्या होता है आपका मैनी, और नोमियल्स मतलब क्या होता है टर्म्स, क्या होता है टर्म्स। जब आपका बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं तो आपका क्या होता है पॉलीनोमियल्स बनते हैं। अभी टर्म्स क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सर टर्म बता ही नहीं है, तो पहले हम समझते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स मतलब होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 6x, इसमें क्या आ रहा है 6 क्या है नंबर है, क्या है ये नंबर है, और x क्या है आपका वेरिएबल, क्या है वेरिएबल है, मतलब नंबर विद वेरिएबल अगर बहुत सारे आ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं टर्म्स कहते हैं, और टर्म्स बहुत सारे आ जाए बहुत सारे तो उसे क्या कहते हैं पॉलीनोमियल्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं 6x + 9, 7x² + 9, 3x³ + 2x + 6, ये क्या है आपका पॉलीनोमियल्स है, क्या है ये पॉलीनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसके नंबर के साथ क्या है आपका वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कहते हैं टर्म्स कहते हैं, नंबर विद वेरिएबल। तो ये समझ गए आपकी पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की, इसी बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेस पे कितने टाइप के होते हैं आपके पॉलीनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके पॉलीनोमियल्स होते हैं 3 टाइप्स के, कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है मोनोनोमियल, दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, तीसरा होता है आपका ट्रिनोमियल, और चौथा होता है आपका पॉलीनोमियल। बेसिकली हम इन 3 के बारे में समझते हैं कि टर्म्स और पॉलीनोमियल्स अपने आप हो जाता है। पहले समझते हैं कि क्या होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब होता है जिसमें आपका सिंगल वेरिएबल एग्जिस्ट करे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं 3x 5x 2x x 9x, ये सब क्या आपका मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स है, तो इसे क्या कहते हैं आप मोनोनोमियल। दूसरे की बात करें बायो, मोनो मतलब होता है आपका वन सिंगल, क्या होता है वन या सिंगल, बायो मतलब होता है टू, क्या होता है टू, क्या होता है टू। अब इसमें क्या होता है टू टर्म्स, जैसे कि 2x + 1, 5x + 6, 9x + 7, ये सब क्या हो गया बाइनोमियल्स हो गए। अगर 3 मतलब क्या होता है 3, क्या होता है 3,
जिसमें तीन टर्म्स आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये सब क्या हुआ है, ट्रिनोमियल्स हो गए, क्या हो गए, ट्रिनोमियल्स। और बात करें अगर तीन के बाद, तीन वेरिएबल तीन टर्म्स के बाद अगर और आ जाए, जैसे कि 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसे आ जाए, तो ये क्या हो गया, पॉलीनोमियल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉलीनोमियल्स। मोनोनोमियल्स में वन होता है सिंगल टर्म्स, बाइनोमियल में डबल होते हैं, ट्रिनोमियल में तीन और पॉलीनोमियल में बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीनोमियल टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। अगर मैं बात करूं टर्म्स के बेस पे तो पॉलीनोमियल आपके तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है बाइनोमियल, पहला होता है मोनोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्रिनोमियल और चौथा होता है आपका पॉलीनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, किसकी बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अभी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, अगर मैं बात करूं डिग्री की, डिग्री मतलब होता है पावर, क्या होता है, डिग्री मतलब पावर होता है, क्या होता है, पावर। अगर मैं बात करूं कि 6x, तो यहां पे x की कितनी पावर है, जाहिर सी बात है यहां पे 1 पावर है, कितनी पावर है, 1 पावर। अगर मैं बात करूं 7, तो मैं बोलूं इसकी कितनी पावर है, जाहिर सी बात है अगर कुछ नहीं है तो अगर मैं x लगा दूं, ऐसे 0 लगा दूं, तो इसकी पावर कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। उसी टाइप से मैं बोल दूं 9x की पावर 4, तो x की पावर कितना है यहां पे, 4 है। मतलब पॉलीनोमियल की वो हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलीनोमियल, क्या, पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इन अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल में क्या है आपका, वेरिएबल में क्या है, जो पावर है हाईएस्ट पावर होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलीनोमियल आल्सो थ्री टाइप्स, आल्सो इसलिए लिखा क्योंकि आपके टर्म से बेस पे पॉलीनोमियल भी कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, और ये भी किसी टर्म बेस पे, डिग्री के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहला होता है आपका लीनियर, अभी लीनियर क्या होते हैं, लीनियर में क्या होता है आपका, जिसकी पावर कितनी हो, वन हो, कितनी हो, वन हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा 3x, तो यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल की कितनी पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, वन है, कितनी है, वन है। अगर मैं बात करूं x, तो x की पावर कितनी है हाईएस्ट, वन है। तो हाईएस्ट पावर इन अ वेरिएबल इन पॉलीनोमियल्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। और टाइप्स ऑफ, बात करें पॉलीनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, तो कितने टाइप के होते हैं, तीन। पहला होता है लीनियर, जिसकी पावर कितनी होती है, सिंगल, वन होती है। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, दो, जैसे कि 3x की स्क्वायर, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 6, 9x स्क्वायर प्लस 9, क्या है यहाँ पे वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, कितनी है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, 2 है, कितनी है वेरिएबल की पावर हाईएस्ट, 2 है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसे ही आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। तीसरी बात कर रहे हैं क्यूबिक, क्या होता है तीसरा, तीसरा होता है क्यूबिक, तीसरा होता है आपका क्यूबिक। अभी क्यूबिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, कितनी हो, 3 हो। अब देखिए यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसीलिए इसे कहते हैं क्यूबिक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल 9x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल में कितनी है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3
है वेरिएबल पे, तो ये हो गया qb। और ये क्वांटिटी क्या होते हैं, क्वांटिटी जिसकी वेरिएबल की वैल्यू या पावर या डिग्री कितनी हो, 2 हो हाईएस्ट। और लीनियर क्या होता है, वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू या हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे हो, जल्दी से नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं आगे में कि जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, मिटा दे रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, अब बात करें जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स की, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच ऑफ द पॉलीनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। अगर मैं बात करूं जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने क्या बोल दिया, मैं कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई भी वेरिएबल लूं, जैसे मैंने लिया 3x, अगर मैं ये क्या पॉलीनोमियल है, अगर मैं इसको इक्वल टू रख दूं जीरो के, तो उसे ही कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। अब यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये मल्टीप्लाई में जब डिवाइड जाएगी तो कितना 0/3, तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आंसर। अगर उसी टाइप का लूं 2x + 1 = 0, इक्वल जो वेरिएबल जो हमारा पॉलीनोमियल है उसको मैं 0 के इक्वल रख दूं, तो उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। जैसे कि यहां पे आप देखें, लेकिन इक्वल टू रखने के बाद x की वैल्यूज आती है, अब देखिए यहां प्लस में है 1, तो 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। अब x यहां पे 2 डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -1/2, तो x की वैल्यू क्या आई, -1/2। इसे ही कहते हैं आप जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, क्या कहते हैं इसे आप, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो इसे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, जैसे अब ये समझ में आ गया, लिखवाना पड़ेगा, चलिए लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलीनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसके इक्वल रखूं तो क्या होता है आपका, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स होता है, क्या होता है आपका, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस of the zeros of a polynomial। अभी geometrical meaning zeros of polynomials क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक क्या बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, x एक्सिस x डैश एक्सिस, y एक्सिस y डैश एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। अगर आप देखें, अगर यहां पे x एक्सिस को क्या, अगर x एक्सिस को कोई लाइन, देखिए केस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, केस 1 में क्या हो रहा है, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या ये x एक्सिस को काटते हुए जा रही है क्या, नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इन कंडीशन 1 कितने हो जाएंगे आपका, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को ये लाइन टच नहीं किया या कट नहीं किया, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कंडीशन 1 में क्या हो जाएगा आपका, 0। नंबर ऑफ जीरोस इन कंडीशन सेकंड, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये किया, तो क्या हो रहा है इसमें, x एक्सिस को सेकंड कंडीशन में ये जो लाइन जा रही है कट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, कहां पर कर रही है, यहां पे, कितना टाइम्स कर रही है, 1 times कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन कंडीशन सेकंड में कितना हो गया आपका, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस इन कंडीशन थर्ड,
देखिए अब मैंने यहां बना दिया ऐसे, क्या ये कट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये किसको कट कर रही है? वाई डैश एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को नहीं। तो ये जीरो हो गया। क्या हो गया? इसका नंबर ऑफ जीरोस कंडीशन थर्ड में क्या था? जीरो। अगर मैं बात करूं कंडीशन फोर्थ की, किसकी कंडीशन फोर्थ की बात करूं, नंबर ऑफ जीरो की, ठीक है। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को? अब देखिए कट करे या फिर टच करे सेम बात होगी। क्या होगा? या तो कट करे या टच करे सेम होगा। देखिए एक बार यहां कट कर रही है, दो बार यहां कट कर रही है, दूसरी बार, तीसरी बार यहां कट कर रही है, चौथी बार यहां कट कर रही है, पांचवी बार यहां कट, छठी बार यहां टच, सातवीं बार यहां टच और आठवीं बार यहां कट। तो नंबर ऑफ जीरो कंडीशन एट फोर्थ में कितना हो गया? 8 times। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? 8 times। तो इसे ही कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही है आपका, यही बताना है वहां पे देख के कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, कि कितने हैं आपके 1 and 2 है, कितने बार कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को एक लाइन। तो ये 2.1 का बेसिक क्लियर हो गया आपका, 2.1 आप अपने से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन, अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial x polynomial। अगर बात करें relation between zeros and coefficient of a polynomial in a quadratic polynomial, in a पॉलीनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बात करें इसकी रिलेशन बताना है हमें जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में, किसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। अब मैंने आपको जीरो तो बता दिया लेकिन कोफिशिएंट नहीं बताया, चलिए अभी बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 3x 4x² + 2x 9x³ + 6x + 3। अगर मैं बात करूं इसमें x की कोफिशिएंट क्या होगी, तो देखिए जो x के साथ नंबर्स में वैल्यू होती है उसे ही कहते हैं आप कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं आप? कोफिशिएंट कहते हैं। ये तो x की हुई। अगर मैं पूछूं यहीं पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ जो नंबर होगा वही उसका क्या होगा? कोफिशिएंट। अगर पूछूं x का क्या होगा कोफिशिएंट, जो x के साथ वैल्यू होगी, नंबर होगी, उसे क्या कहेंगे? x का कोफिशिएंट। अगर मैं पूछूं x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ जो नंबर होगा वही क्या होगा? उसका कोफिशिएंट। अगर मैं पूछूं 6 x के साथ क्या है कोफिशिएंट, x के साथ वाला नंबर जो 6 है वही क्या है? उसका कोफिशिएंट। और जो लास्ट में टर्म बचा था इसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है इनफिनिटी तक, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट में। तो अब बात करते हैं रिलेशन, अब आपको समझ में आ गया है जीरो क्या होता है।